गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सम मोर एक्सरसाइजेज ऑफ योर चैप्टर आई वॉन्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. मंकीज आर फन टू वॉच. कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 टाइम्स इन द बॉक्स? मंकीज देखने में हमें बहुत फन लगता है, मज़ा आता है. और वो क्यों? क्योंकि वो तरह तरह की हरकतें करता है, इसी वजह से. तो यहाँ पर एक पज़ल दिया हुआ है और आपको यहाँ पर इसमें मंकी को 5 टाइम्स सर्च करना है. तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर मंकी ये रहा, तो आप इसको ऐसे मार्क कर लेंगे. नेक्स्ट देखिए, दिस वन, ओके. नेक्स्ट थ्री हो गए. हमें यहाँ पर 5 टाइम्स मंकी सर्च करना है. वन टाइम ये हो गया, तो ये 4 टाइम हमने मंकी को मार्क कर दिया है. अब हम इसको 5 टाइम हमें सर्च करना है. और यहाँ पर फिफ्थ वन है, दिस वन. सो स्टूडेंट्स, यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक इन दिस वे. Now we will do next exercise. Now write about your favorite animal or bird by completing these sentences. अब आपको अपने फेवरेट एनिमल या फिर बर्ड के बारे में राइट करना है. यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फेवरेट एनिमल या बर्ड के बारे में राइट करना है. तो हम यहाँ पर अपने फेवरेट बर्ड के बारे में राइट करेंगे. My favorite bird is पीकॉक. और पीकॉक तो सबको ब्यूटीफुल लगता है, बहुत खूबसूरत होता है. आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मुझे क्यों पसंद है ये? क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है. ब्यूटीफुल. आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट हैज़ अगली फीट. मैं इसे क्यों नहीं पसंद करता हूँ? क्योंकि इसके पैर बहुत बदसूरत होते हैं. और ये कहा जाता है कि मोर अपने फीट को देखकर रोता है, क्योंकि उसे अपने फीट बहुत अगली लगते हैं. आई थिंक इट लुक्स लाइक अ प्रिंस. ये किसी प्रिंस की तरह दिखता है, यानी राजकुमार की तरह दिखता है. क्योंकि आपने देखा होगा मोर के हेड पर एक क्राउन बना होता है, तो इस क्राउन की वजह से वो बिल्कुल प्रिंस की तरह लगता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एक्सरसाइजेज ऑफ योर बुक, एंड कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक.